छह तारीख को वृषभ राशि पर शुक्र जा रहे हैं। सी सेक्शन से जो बच्चे होने वाले हैं या नॉर्मल भी जिनका बर्थ होने वाला है, उनकी कुंडली में शुक्रदेव अपनी राशि वृषभ राशि पर जब रहेंगे तो चार राशियों को तो मालव्य राशि पंचपांच पुरुष राजयोग जो है उसका लाभ मिलेगा। अब आपको कैसे लगन सेट करना है, कौन से टाइम के अंदर, खासकर सी सेक्शन से जो बच्चे होने वाले हैं क्योंकि उनका तो ऑपरेशन होना ही होना है, तो अब इसमें दो तीन चीजें देखने की है। हालांकि सी सेक्शन को लेके कंप्लीट कार्यक्रम 10-15 मिनट का, जिसमें मैंने ए से लेके जेड तक की जानकारी आपको दी है, अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, कई बार लोग सोचते हैं कि उस दिन ये वाला योग बन रहा है तो उस दिन हम शायद कर लें, या उस दिन अलग अलग कोई जो सर्वार्थ सिद्धि योग देख रहा है, कोई अमृत सिद्धि देख रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन उसमें आपको ये सब देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको देखना क्या है, बच्चे की कुंडली में जो ग्रह आने वाले हैं वो कैसे पड़ने वाले हैं। उसमें कोई दुर्योग तो नहीं बन रहा है, उसमें कोई राजयोग का निर्माण कैसे बने, बच्चा धनवान रहे, आयुवान रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुंडली से करेंगे। और कुंडली कैसे बनेगी उसको लगन से तय होगा, इस चीज को हमेशा से ध्यान रखना है। कई लोग देख रहे हैं हाँ जी काल सर्प योग पड़ रहा है, सॉरी राहु काल पड़ रहा है। हम लोग कई बार जब कुंडली का जो जन्म का समय होता है वो निकाल कर बहुत सारे लोगों को जैसे देते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी आपने जब ये टाइम दिया उस समय राहु काल है, तो मैं इस बात को हमेशा से समझाता हूं, ये भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, आप इसके बेसिक नियम को समझो। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो फिर आप इस चीज को भी समझ जाओगे कि इसमें देखना क्या है। तो वृषभ राशि में शुक्रदेव का जाना आपके मई में अप्रैल में, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, हम कुंडली में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, हम सूर्य को चंद्र को, क्योंकि सूर्य महीने भर में बदल जाता है और चंद्रमा हर दो दिन ढाई दिन में बदलेंगे, तो चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। अब यहां पर देखिए, क्योंकि मैं इसलिए भी यहां पर बात कर रहा हूं, हम अगर अप्रैल में देखेंगे मई में देखेंगे क्योंकि यहां पर राहु का संयोग बन जाएगा सूर्य के साथ में, सूर्य भी वहां पर खराब हो जाएंगे। अब वृषभ राशि से, मेष राशि से जब वृषभ में पहुंचेंगे तो शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तब हमें उसका लाभ लेना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले जैसे बृहस्पति का था, तो बृहस्पति बहुत अच्छे वहां पे लोगों के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है जिनके उस पीरियड में बच्चे हुए हैं, और अगर उन्होंने उस चीज को देखा है तो उनको उस चीज का लाभ मिला है। अब मालव्य महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग जो है, क्योंकि बहुत बड़ा योग ये कुंडली के अंदर है, और 20 साल की जो है शुक्र की दशा आती है जीवन में, 20 साल शुक्र की जो दशा है वो व्यक्ति को बहुत दूरियों तक पहुंचा सकता है, बहुत अद्भुत जो है जीवन को ये नया दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। तो शुक्र अच्छे हो उसमें भी राजयोग का हो तो व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन उस समय जिएगा और वो सब अर्जित करेगा जिसकी कल्पना भी उस व्यक्ति ने नहीं किया था। तो इसलिए आप जो है इसके बाद जो अप्रैल में बच्चे आने वाले हैं, मई में आने वाले हैं, तो क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी राहु के साथ रहेंगे, ग्रहण योग बनेगा ही बनेगा, इसलिए हमें दो तीन चीजों को देखना है कि लगन के हिसाब से हमें राजयोग का निर्माण हो और हमारा चंद्रमा अच्छा हो, ठीक है ना, वो केतु के साथ ना पड़े, राहु के साथ में ना जाए, क्योंकि फिर वहां पर चंद्रमा भी खराब हो जाएंगे।